प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। भजन संहिता पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पर ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उस जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो भूमि के उस फूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में खड़ा रहेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। वो उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है, वो अपने हृदय में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कौन है? धर्मी व्यक्ति जो ठट्टे करने वालों की पापियों की मंडली में नहीं बैठता है, नहीं खड़े होता है, नहीं चलता है और यहोवा की वचन पर रात दिन मनन करता है। रात दिन यहोवा की वचन को मनन करता है, उसी में ध्यान मनन करता है। वो व्यक्ति उस नदी का समान है जो नालियों के किनारे लगा हुआ है, अपने ऋतु में फल देता है, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। जो कुछ भी वो करेगा उसमें सफल हो जाता है। नया नियम में जब हम आते हैं, आत्मा का फल होता है। आत्मा का फल, नौ प्रकार का फल, एक वृक्ष में नौ प्रकार का फल लगता है। आप उस नाली का किनारे लगा हुआ, उस नदी का किनारे, बहती हुई नदी का किनारे लगा हुआ वृक्ष का समान है जो प्रभु की वचन को रात दिन मनन करता है, ध्यान करता है और प्रभु की वचन के अनुसार चलता है। दुष्टों की युक्ति के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है, परमेश्वर की वचन से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को पसंद करता है। वो इस वृक्ष के समान होंगे, वो हर ऋतु में फल देगा, कई प्रकार का फल, आत्मा का फल उसमें लगेगा और उसकी पत्ता मुरझाएगा नहीं। हर ऋतु में, हर मौसम में वो फलवंत रहेंगे, हर मौसम में वो फलवंत रहेंगे। आप ऐसे एक वृक्ष के समान हो जाए जो हर मौसम में आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखने पाए और इस वृक्ष के समान हो जाए जो प्रभु की आशीष वायदा है, हमारे लिए कहा गया है। God bless you, God be with you, Shalom.